हेलो गुड इवनिंग फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब आई होप सब अच्छे होंगे स्वस्थ होंगे और यहाँ पे आज मैं बनाने जा रही हूँ लंच में सोयाबीन सोयाबीन की बरी आलू की सब्जी तो चलिए आप लोगों के साथ शेयर करते हैं सोयाबीन की बरी आलू की सब्ज़ी ये बहुत ही टेस्टी बन के रेडी हुई थी तो सब्जी बनाने के लिए अपने मैंने फैमिली के अकॉर्डिंग जितने फैमिली में मेम्बर उस हिसाब से मैंने ली है यहाँ पे सोयाबीन की बड़ी उसको मैं अभी सोख करके रख दूँगी और ये बहुत जल्दी सोख हो जाती है इन्हें आप सब्ज़ी बनाने से पहले दो मिनट पहले या तीन मिनट पहले आप सोख करके रख दीजिए जब तक आप चॉपिंग करेंगे या प्याज वग़ैरह भूनेंगे तब तक ये फूल जाती है और आज मैं इसे बहुत ही जल्दी फटाफट से बना के आपको दिखाऊँगी कि कैसे ये बहुत जल्दी बन के रेडी होती किसी भी तरीके का कोई पेस्ट वगैरह मैं अलग से पीस के नहीं डालूँगी सिंपली मैं बनाऊँगी बहुत ही फटाफट वाली सोयाबीन बड़ी आलू की सब्ज़ी तो यहाँ पे मैंने बड़ी भिगो दी थी और उसके बाद मैंने ले लिया है इसमें तीन से चार आलू तो आलू को भी मैं इस तरीके से कट कर लूँगी और आलू को मैंने भिगो दिया है पानी में ताकि वो काले ना पड़ें और उसके बाद मैंने ये लिया है एक मीडियम साइज़ का प्याज और प्याज को भी मैं आ, स्लाइस में रफ़ली चॉप कर लूँगी बस क्योंकि कोई भी मतलब अलग से इसका कोई मसाला नहीं तैयार करूँगी जो घर के बेसिक से मसाले होते हैं ना बस उसी मसालों से हम इसको बना के रखेंगे और बस प्याज को भी ना मैं चॉपर की हेल्प से इस तरीके से चॉप कर लूँगी पहले स्लाइस में कट करने वाले थे बट फिर ये रहा कि अगर प्याज नहीं पीसूँगी तो चलिए चॉपर है तो चॉपर में जल्दी हो जाएगा फटाफट से चॉप कर लेते हैं तो बस यहाँ पे मैं प्याज को काट दूँगी और इसे चॉपर में महीन महीन चॉप कर लूँगी आप चाहें तो आप रफली काट के ऐसे ही डाल सकते हैं और ये सब्ज़ी बहुत ही अच्छी बन के रेडी होगी कुछ भी अलग से डालने की ज़रूरत नहीं रहती है तो ये सोयाबीन की जो बड़ी होती है ना ये आ, मतलब काफ़ी हेल्दी और काफ़ी अच्छी होती है जो लोग मतलब मीट वग़ैरह नहीं खाते हैं उनके लिए तो बहुत ही अच्छी होती हैं स्पेशली बच्चों को ज़रूर खिलाना चाहिए वीक में एक बार दो बार तो बच्चों को इसे ज़रूर खिलाना चाहिए क्योंकि इसमें बहुत सारा प्रोटीन फाइबर और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो इसके अंदर मौजूद होती हैं तो बस प्याज कट लिया था बस कुकर में मैंने डाला है दो चम्मच तेल और तेल आप लोगों को ज़्यादा लग रहा होगा या आप कम ज़्यादा अपने हिसाब से अपनी क्वांटिटी के हिसाब से आप कर सकते हैं बस प्याज को भी तेल को भी अच्छे से जो है हम गरम कर लेंगे क्योंकि सरसों का तेल है तो उसे अच्छे से गरम करना बहुत ज़रूरी है और उसके बाद हमने इसमें डाल दिया है जीरा और हींग तो जीरा हींग को भी अच्छे से पकाएंगे और उसके बाद हम इसमें डालेंगे प्याज तो आप लोग देख सकते हैं जीरा और हींग भी अच्छे से हमारा चटक चुका है तो बस अब हम इसमें जो है प्याज को डाल देंगे और बस यहाँ पे प्याज को भी हल्का सा भून लेंगे बहुत ज़्यादा नहीं करना बस कलर चेंज होने तक हमें प्याज को भूनना है और प्याज का कलर जब हल्का सा गोल्डन कलर हो जाएगा मतलब थोड़ा सा गोल्डन कलर आपको दिखने लगे उसके बाद हम इसमें डाल देंगे जो सोयाबीन की बड़ी हमने भिगो के रखी थी उनका पानी पूरी तरीके से हाथ से दबा के निकाल देना है उसके बाद उसे प्याज के साथ ही डाल देना इससे क्या होंगे इससे आपके दो बेनिफिट होते हैं एक तो आपको बड़ी पहले से भिगोने की जल्दी नहीं ए, पहले से सॉरी पहले से आपको फ्राई नहीं करना होता है और इसमें क्या होता है ऑयल भी बहुत ही कम सूख करता है अगर आप सोयाबीन बड़ी अलग से फ्राई करोगे तो वो बहुत तेल सोखती हैं और अगर आप जैसे इस तरीके से बनाओगे ना तो इसमें ऑयल बहुत कम सोखेंगी इसी ऑयल में आपकी पूरी सब्जी बन के रेडी हो जाएगी वरना फिर पहले आप बड़ी फ्राई करो उसके बाद फिर और तेल ऐड करो फिर मसाला भूनो तो इससे बहुत ज़्यादा और दूसरी चीज़ क्या होती है कि आपका मेन टाइम की बहुत बचत होती है तो बस मैंने बड़ी भी मेरी अच्छे से भून चुकी थी उसके बाद मैंने इसमें डाल दिया है एक टमाटर टमाटर डालने के बाद हम इसे टमाटर को भी थोड़ी देर भूनेंगे उसके बाद मैं इसमें डाल दूंगी नमक ताकि टमाटर जो है वो भी जल्दी से पक जाए और उसके बाद हम इसमें डालेंगे मसाले तो बस यहाँ पे मैंने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल दिया है नमक और उसके बाद इसमें जो भी मसाले हैं वो भी मैं साथ ही साथ ऐड कर दूंगी। तो ये है लाल मिर्च पाउडर अगर आप नहीं चाहते हैं खाना तो आप हरी मिर्च भी ऐड कर सकते हैं तो आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर था आधा चम्मच धनिया पाउडर था और थोड़ा सा गरम मसाला मतलब आधे चम्मच से भी कम मैंने गरम मसाला यूज़ किया हुआ है और अगर आप गरम मसाला नहीं यूज़ करना चाहते हैं तो आप मीट मसाला भी यूज़ कर सकते हैं और इसमें मैंने थोड़ा एक चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट भी ऐड किया है जो मैं आपको स्टार्टिंग में बताना भूल गई थी तो आप वो भी ऐड करेंगे और थोड़ा सा पानी डाल दूँगी और इसे अच्छे से पका लेंगे तो पानी डालने के बाद ये पानी मतलब ये थोड़ा सा अच्छे से पक जाएगा नमक भी डाला है तो टमाटर भी अपना पानी छोड़ेंगे तो मसाले साथ ही साथ में हमारे अच्छे से भुन जाएंगे बस इसे दो से तीन मिनट के लिए ढकेंगे ताकि टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो जाए तो बस यहाँ पे दो से तीन मिनट हो चुके हैं आप देख सकते हैं मसाले भी हमारे अच्छे से पक चुके हैं और बस अब क्या करेंगे अब हम इसमें डाल देंगे जो आलू हमने काट के रखे थे उन्हें बस अच्छे से टमाटर को थोड़ा सा मैश कर लेंगे और उसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे जो आलू काट के रखे थे उसे तो फ्रेंड्स बताइएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी जब भी आपको कोई सब्जी ना समझ में आए तो आप इस रेसिपी को ट्राई कर सकते हैं ये बहुत ही टेस्टी बन के रेडी होती है और सभी को बहुत पसंद आती है और स्पेशल चीज़ ये है कि ये बहुत ही हेल्दी रेसिपी है आप इसे नहीं चाहते हैं आलू अगर ऐड करना तो आप बिना आलू का भी बना सकते हैं और ये हर तरीके से परफेक्ट एकदम है रेसिपी और बस इसमें आलू डाल के अच्छे से सारा मिक्स कर देंगे ताकि जो भी मसाले मारे हैं वो अच्छे से मिक्स हो जाएं और बस थोड़ा सा इस तरीके से चला के दो से तीन मिनट के लिए हम इसे और भूनेंगे क्योंकि सब्जी का मेन प्रोसेस यही होता है कि आप जितना ज़्यादा सब्ज़ी भूनेंगे उतना ही टेस्टी वो बन के रेडी होती है तो यहाँ से दो से तीन मिनट हो चुके थे और सब्ज़ी को एक बार फिर से मैंने चला दिया था और जितनी भी ज़रूरत थी उस हिसाब से मैंने इसमें पानी ऐड कर दिया था तो आप पानी अपने हिसाब से ऐड करिएगा जैसा भी कम ज़्यादा आपको जैसा भी ठीक लगे तो बस मैंने अपनी ज़रूरत के हिसाब से इसमें पानी ऐड कर दिया था और उसके बाद तीन से चार बिसल आने तक हम इसे पकाएंगे और हमारी सब्जी बनके रेडी हो जाएगी तो फ्रेंड्स बताइएगा कि आपको हमारी यह रेसिपी कैसी लगी अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिएगा शेयर करिएगा एंड सब्सक्राइब करिएगा मिलते हैं आपसे एक नई रेसिपी के साथ तब तक के लिए बाय बाय टेक केयर